नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? इसका सही जवाब है, केंद्र में प्रतिनिधि सरकार की मांग की गई थी। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? इसका सही जवाब है, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यानी 24 दिनों तक चली थी। तीसरा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि क्यों वापस कर दी थी? इसका सही जवाब है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चौथा प्रश्न है, 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? इसका सही जवाब है, 76वां स्वतंत्रता दिवस था। पांचवा प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाएगा? इसका सही जवाब है, हर साल 14 अगस्त को। छठा प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी? इसका सही जवाब है, स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थी। सातवां प्रश्न है, गोरख धंधा शब्द पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? इसका सही जवाब है, हरियाणा सरकार ने। आठवां प्रश्न है, अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? इसका सही जवाब है, अंडमान और निकोबार में। नवा प्रश्न है, विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है, नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA संस्थान में। दसवां प्रश्न है, ऐसी कौन सी जगह है जहां दो लोग जाते हैं और 3, 4 तथा कभी कभी 5 लोग भी वापस आते हैं? दोस्तों ऐसे सिर्फ दो ही जगह हो सकती है, एक विवाह समारोह और दूसरा हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल ज्यादा सही जवाब लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट औरत और उसके साथ कोई उसका रिश्तेदार जाता है। नॉर्मल केस में सिर्फ एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन कभी कभी 2 या 3 बच्चों का भी जन्म हो जाता है। ऐसे में हॉस्पिटल में 2 लोग तो जाते हैं, लेकिन आते वहाँ से 5 हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह सवाल जवाब कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं आपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।